हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो सकता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नया जो है एकदम ब्रांड न्यू टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, पहले इंसान जो है हमारे डिवीजन में उनको मिल चुका है, नॉर्मली हमें काफ़ी लेट मिलेगा, लगभग सेप्टेम्बर या अक्टूबर के महीने में हमें टैबलेट्स मिलेंगे, इनको मिल चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने अपने ग्रुप में हमारे ग्रुप में शेयर किया किस तरीके से इसमें जो है क्या क्या काम कर सकते हो आप, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर टैबलेट जो है काफ़ी बड़ा है, जैसे नॉर्मली जो आप देख सकते हैं पे स्क्रीन पे किस तरीके के इतने बड़े टैबलेट्स जो है बेसिकली पहले भी हमने खुद से पर्सनली खरीदा हुआ है, लेकिन अब जो है ये इतने बड़े साइज के टैबलेट, स्क्रीन काफी बड़ा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता है, लेकिन काफी बड़ा स्क्रीन है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस तरीके के बड़े स्क्रीन आपको मिल जाएगा, और इन्होंने जो है इस टैबलेट पे ही डिलीवरी शो किया। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी स्लिप यहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरीके से किन लोगों को कितने टाइम पे इन्होंने कितनी चिट्ठियां दी है, यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। तो इन्होंने अपना फोटो जो है बेसिकली ग्रुप में डाला हुआ है, जैसे हर एक डिवीजन का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहाँ पे उन्होंने शेयर किया हुआ है इस चीज को। तो मैं सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। तो इसमें जो है अभी नया अपडेट आ चुका है, अब मोबाइल से आपको डिलीवरी करने की जरूरत है ही नहीं, आप टैबलेट से डायरेक्ट डिलीवरी दिखा सकते हो। ठीक है, कितना पैसा है, और बेसिकली चार मेनू है, जैसे कि आप बताओ यूटिलिटी एक मेनू आपका होगा, ठीक है, मेनू बार जो होता है बेसिकली, ठीक है, उसमें यूटिलिटी बार होगा, उसके बाद मेलिंग ऑपरेशंस होगा, उसके बाद पीएलआई का एक ऑप्शन होगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और एक वाला होगा आपका। तो ये चार ऑप्शन होंगे, इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना है। अब स्क्रीन का साइज आपने देख लिया कितना बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यूपीएस लॉगिन, ये डब्ल्यूपीएस के बेसिकली आई थिंक ये लिंक होगा, ठीक है, वर्ड्स के साथ। यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन टू डब्ल्यूपीएस ऐप, यहाँ पे क्लाउड लॉगिन, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ाने के लिए डब्ल्यूपीएस के जरिए आपको कुछ करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बैठा, और मैंने आपको दो ट्रेनिंग वीडियोस मैंने आपको दिए थे अपने सेशन से कि किस तरीके से कैसा करना है, लॉगिन का मेथड क्या होगा। मैंने आपको बताया तीन तरीके के लॉगिन आपके होंगे, एक बायोमेट्रिक से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, और आधार ओटीपी एनेबल लॉगिन कर सकते हो, मतलब टैबलेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जो बहुत लोगों ने पूछा कि बायोमेट्रिक कैसे होगा, टैबलेट में तो ऑप्शन है ही नहीं फिंगरप्रिंट का, तो ये आपको अलग से अटैच करना होगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अलग आपको एक डिवाइस मिल जाएगा, उसमें आपको फिंगरप्रिंट देकर लॉगिन करना होता है। ठीक है, वो अलग से होगा, और इसके साथ प्रिंटर भी आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टैबलेट जो है इसमें कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, तो रिसीट कहाँ से लिखेगा, जैसे कि हम लोग अभी जो नया पुराना दर्पण होता है उसमें क्या होता है आपका रिसीट निकलता है ऊपर से, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें क्या थर्मल प्रिंटर होगा। ठीक है, अलग से आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वो दे दिया जाएगा, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो क्या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ उसमें रिसीट निकलेगा, उसको वो भी आपको दे दिया जाएगा। अब मैं आते थे मेन बात की, देखिए वहाँ डिवीजन में क्या हुआ है, अभी सब लोगों को ये बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया कि सब लोग अपने अपने जो भी विलेजेस है उनमें कौन सा वाला सिम सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है वो आपको बताना होगा। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, देखिए हर एक विलेज में अलग अलग टावर्स, किसी विलेज में हो सकता है जियो के बहुत ज़्यादा टावर लगे हो, किसी विलेज में हो सकता है एयरटेल के टावर लगे हो, ठीक है, किसी में उसे बीएसएनएल के टावर अच्छे लगे, वोडाफोन की तो बात ही छोड़ दो, वोडाफोन तो बेकार है, लेकिन बाकी जितने भी जगह हैं तो उस हिसाब से प्रेफरेंस मांगा गया है सबसे, जैसे मुझसे भी मांगा गया है कि मेरे ऑफिस में मेरे एरिया में कौन सा सिम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब लोग टैबलेट देंगे तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सिम दिया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर वही सिलेक्ट करके देंगे, जो एसडीआई होते हैं वो यहाँ पे ऑर्डर देंगे, और अकॉर्डिंगली जिस जिस जगह पे जिस जिस लोगों को जहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा सिग्नल मिलता है उनको वही सिम मिल जाएगा। अब मेरे विलेज में बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सा सिम मेरे यहाँ पे चलता है, मेरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयरटेल चलता है, बिकॉज एयरटेल के सबसे ज्यादा टावर्स मेरे विलेज में है, लेकिन जियो उतना खास नहीं चलता है, वोडाफोन तो बात ही छोड़ दो, बेकार है, एकदम थर्ड क्लास है, मतलब चलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। ठीक है, बीएसएनएल तो मतलब भूल ही जाओ। ठीक है, तो सिर्फ एयरटेल चलता है, तो मैंने अपना प्रेफरेंस एयरटेल का डाला है। आप कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है अपना बीओ का नाम, ठीक है, जैसे मेरा है पुनिर्मुख बीओ, आपको यह नाम लिखना है, उसके बाद लिया है भाया, भी आए भाया मतलब किसके अंडर में आप आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भेकित बार आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे एसओ देंगे, उसके बाद नीचे आप लिख देंगे सिम, प्रेफर्ड सिम एयरटेल, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, और साथ ही साथ आईबीपीएस का जो बोर्ड है उसका भी फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। ठीक है, आईबीपीएस का, क्योंकि अभी ये जो टैबलेट है इसके अंदर सारे आईबीपीएस का काम होंगे, पहले क्या होता था दर्पण में आईबीपीएस नहीं होती थी, आईबीपीएस के लिए फोन में काम करना पड़ता था, अब इसमें सब सब कुछ इंटीग्रेटेड करके एक ही चीज़ में दे दिया गया, मतलब आईबीपीएस का भी काम आपको इसमें करना पड़ेगा, डिलीवरी भी आप यही से कर सकते हो, मतलब सारी की सारी काम एक ही टैबलेट से आपका हो जाएगा, और ये बहुत ही हल्का है, इतना ज़्यादा भारी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इन कंपैरिजन टू दर्पण, दर्पण का जितना वजन था उससे आधा हो चुका है, तो मतलब यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो सबको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।